हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका सुहाना की रसोई में। आज हम बनाएंगे मेहरान पाया मसाले से टेस्टी मटन पाया की रेसिपी। बहुत ही कम टाइम पर आप इस इंस्टेंट मिक्स मसाला से बहुत ही ज्यादा लाजवाब मटन पाया बना सकते हैं। इसमें आपको नमक डालने की भी जरूरत नहीं, मसालों में पहले से ही नमक ऐड होकर आता है। आप इसे गर्मा गर्म नान, रोटी, पराठे, चावल किसी के साथ भी सर्व करें, सबके साथ आपको ये मसाला पाया बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगने वाला है। बस फ्रेंड, आपको इसे बनाने का सही तरीका आना चाहिए। तो इसी मसाले से मैं आपको बनाने का सही तरीका बता रही हूँ, तो वीडियो को आप इन तक जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेस्टी पाया बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया मेहरान का पाया मसाले का ये पैकेट है। इस पैकेट के अंदर दो मसाले के पैक है। आप एक पैक से एक बकरे के पूरे पाए बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फिर इस पैकेट को कट कर लेंगे। ये देखिए, इसके अंदर दो 50-50 ग्राम के मसाले के पैकेट है। तो यहाँ पर मैं एक बकरे के पाए बना रही हूँ, तो उसके लिए मैं एक मसाले का पैकेट ले लूंगी और उसके लिए 100 ग्राम दही लूंगी। 100 ग्राम दही में पूरे मसाले का पेस्ट अच्छे से इस तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। मसाले का पेस्ट बनकर तैयार है, इसे एक तरफ रखेंगे। एक कुकर में पाए को धोकर अच्छे से रख लिया है। इसमें इतना पानी ऐड कर दिया है जितने के पाए डूब जाए। इसमें दो हरी इलायची, 3-4 लौंग और 2 छोटे तेज पत्ते ऐड कर देंगे और ढक्कन लगाकर कुकर को कवर करेंगे। हाई फ्लेम पर 3 सीटी आने के बाद मीडियम फ्लेम पर 15 मिनट और पकाएंगे। एक कढ़ाई में पाए बनाने का मसाला तैयार करेंगे। 30 ml तेल को गरम कर लेंगे और इसमें 4 मीडियम साइज की प्याज इस तरह चॉप करके ऐड करेंगे। प्याज को मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज जब इस तरह से फ्राई हो जाए तब इसमें 1 टेबल स्पून भरकर अदरक का पेस्ट और 1 टेबल स्पून भरकर लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके 2 मिनट फ्राई करेंगे। इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे दही में तैयार किए हुए सारे मसाले और इसी मसाले वाले बर्तन से आधा कप पानी भी ऐड कर देंगे और मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने से आपको हमारे सारे नए वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेंगे। मसालों में नमक नहीं ऐड करना है, मसालों में नमक पहले से ऐड होकर आया है। कढ़ाई को ढक्कन लगाकर कवर करेंगे और मसालों में तेल छूटने तक पकाएंगे। पाए में 3 सीटी हाई फ्लेम पर लगाने के बाद मीडियम फ्लेम पर 20 मिनट पका लिया है। पाए काफ़ी अच्छे से गल चुके हैं, इन्हें एक तरफ रखेंगे। दूसरी तरफ मसाले भी काफ़ी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, ये देखिए। तो इसे हम दोबारा चलाएंगे। मसालों को आपको मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लेना है, तभी जो पाए का टेस्ट है अच्छा आएगा। अब इसमें हम ऐड कर देंगे बॉयल किए हुए सारे पाए। पानी के साथ ही इसमें ऐड कर देंगे, जो पानी इसमें बचा था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसमें हमें पानी अलग से बिल्कुल नहीं ऐड करना है, इसी पानी से ही हम इसकी ग्रेवी बना लेंगे। पाए के साथ बॉयल किया हुआ पानी इतना काफ़ी है अच्छी सी गाढ़ी ग्रेवी बनाने के लिए। कढ़ाई को ढक्कन लगाकर कवर करेंगे और 12 मिनट पाए को मैंने पका लिया है मीडियम फ्लेम पर। ये देखिए, गाढ़ी ग्रेवी वाली टेस्टी मसाला पाया बनकर तैयार है। तो इससे ज़्यादा इसे हम यहाँ नहीं पकाएंगे, इतनी ग्रेवी काफ़ी है रोटी और चावल के साथ खाने के। तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया। कटा हुआ हरा धनिया ऐड करके इसे भी मिक्स करेंगे और मसाला पाया को गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। ये लीजिए, बहुत ही कम टाइम पर मेहरान पाया मसाले से पाया मसाला बनकर तैयार है, वो भी बहुत ही कम टाइम पर। आप इस पाया मसाला को गर्मा गर्म नान, रोटी, पराठे, चावल किसी के साथ भी सर्व करें, सभी के साथ आपको ये बहुत ही अच्छा लगने वाला है। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये पाया मसाला की रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें।